स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, विनय कोठारी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे हूँ अभी सारंगखेड़ा के यात्रा में, और हमने पूरा कवर किया है लगभग अभी यात्रा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखा है दे यहाँ पे छोटे छोटे घोड़े बहुत है, देख सकते हैं। छोटा घोड़ा है ये वाला है, ये देखिए कितने छोटे छोटे घोड़े हैं, और ऐसा भी घोड़े यहाँ पे बेचने के लिए रहते हैं। और मुझे एक अच्छा बात लगा, कितना वो केयर करते हैं। यहाँ पे घोड़े का कटिंग चल रहा है, बाल बना रहे हैं उसके, देखिए क्लोजअप कीजिए। क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पे? बाल कटिंग कर रहे, बाल कट रहे हैं। तो इतना केयर करना पड़ता है, नॉट अ जोक घोड़ा संभालना। देखिए पूरा उसका जो बाल है वो बन रहा है यहाँ पे, उससे घोड़ा का दिखने में अच्छा लगता है, उसका मेंटेन रहता है, सब लुक्स इम्प्रूव होता है, लुक्स मेंटेन रहता है काफ़ी। उसके ऊपर उसका रेट होता है, घोड़ा दिखता कैसा है, घोड़े के हाइट कितना है, देखिए कितना मेहनत का काम है। और को क्या क्या करना पड़ता है भैया इसमें घोड़े का मेंटेनेंस में? चारा पानी खिलाना पड़ता है, चारा पानी तो है ही, खाने के हिसाब से बाद में इसको मेडिकल भी कुछ करना पड़ता होगा ना उसका? हाँ, मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो करते हैं, नहीं करते। अच्छा, सो कान के इधर भी बाल है वो बना रहे हैं अभी, काफ़ी दूर दूर से। कहाँ से आए भैया? घोड़ा से सिर्फ देखने के लिए, खरीदने के लिए ले लिया आपने घोड़ा? अभी तो देख रहा हूँ। आपको किसे शौक है या कुछ यूज़ करते हैं घोड़े? गाड़ी का शौक है। अच्छा, इसलिए गाड़ी तो यूज करते हैं आप एज अ बिजनेस पर्पज? नहीं, बिजनेस पर्पज नहीं है, अभी हमारे यहाँ पे बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी का शरीर। अच्छा, शरीर रहता है इसकी। अच्छा, बैल घोड़ा? बैल घोड़ा। अच्छा, बैल घोड़ा नहीं, चार बैल रहते हैं। ओके, तो देखिए पर्पज हर एक का अलग अलग रहता है, कोई शौक के लिए करता है, कोई शादी में चलाने के लिए करता है, और इनका पर्पज अलग है। तो कितने साल से आ रहे भैया आप यहाँ पे? दूसरा ही साल है। दूसरा साल, तो काफ़ी बड़ा महीना रहता है। तो देखिए छोटे छोटे घोड़े यहाँ पे लोग परचेसिंग करें, यहाँ पे ऐसे सौदे होते हैं, देखिए वहाँ पे एक सौदा हो रहा है, काफ़ी अच्छा मेला है। एडवांस देना पड़ता है, बुकिंग रहता है, और हमारे साथ एक सर है वो कुछ जानकारी देंगे हमें। तो सर थोड़ा जानकारी देंगे, कैसे रहता है यात्रा, कब से चालू हुआ है, क्या इतिहास है यात्रा का? ये बहुत हिस्टोरिकल मेला रहता है। ओके, यहाँ का मेरा नेटिव है ये। हाँ हाँ, घोड़ा बाजार जो है वो बहुत फेमस है यहाँ का। हाँ हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं इधर। हाँ हाँ, पर हम भी जैसे हम यहाँ के लोकल रहने के कारण हम ये सब जानते हैं। ओके, घोड़े के बारे में इसका जो लक्षण और ये सब चूज करते हैं, तो उस टाइम बहुत क्या क्या देखते हैं? अगर मान लो ये घोड़ा है परचेस करना है मुझे, क्या 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 लक्षण देखते हो आप उसके? इसका बेसिकली अभी ये मानने के ऊपर है, फिर भी इसकी बाल भौरी देखते हैं लोग। हाँ हाँ, बाल भौरी क्या रहता है? इधर भौरे रहते हैं, भौरे। हाँ हाँ, जैसे ये बच्चा है। हाँ हाँ, इसमें जो ये है ये भौरा है। ओके, ये आँख की लाइन जो है इसके ऊपर अगर है तो उसको अच्छा माना जाता है। अच्छा, इधर एक देवमन रहता है, इधर लाइन रहता है। अच्छा, इधर वो वीडियो में नहीं दिखेगा, और ये बच्चा इसमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, कुछ कुछ अच्छे शुभ भौरे रहते हैं और कुछ कुछ अशुभ भौरे रहते हैं, जो जानकार लोग हैं वो देख के परख के फिर लेते हैं। अच्छा, ये सब बिलीफ की बात है। अच्छा, जो श्रद्धा की बात है। अच्छा, बट जो जैसे ये भौरी है दोनों, ये दो बोरी ऐसे आजू बाजू में रहना चाहिए, दैट वो लक के हिसाब से अच्छा माना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और सर कब से चालू हुआ है ये जो यात्रा है यहाँ पे? मुझे तो मैं बच्चा था, या मेरे पेरेंट्स पापा भी बच्चे थे, तब से तो हम सुन रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे दत्तक का देवस्थान है। हाँ, बहुत प्रख्यात देवस्थान है, तो इसके मतलब वहाँ से तो हम देखते आ रहे हैं। ओके, और मतलब काफ़ी फेमस है, और ये अभी जो ये यहाँ के लोकल जो है आयोजक। हाँ हाँ, ये सब विशेष ध्यान रखा है, और मेले को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश हो रही है। जी जी जी, और काफ़ी सेलिब्रिटी भी आते हैं यहाँ पे परचेस करने के लिए, ऐसा सुना है मैंने। सेलिब्रिटीज आते हैं। ओके, मतलब ये क्या है, लोकल
लोकली अभी तक तो लोकल लोगों को पता था, लेकिन ये लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या पीरियड से क्या पीरियड तक ये लगता है मेला? ये दत्त जयंती के दिन से चालू होता है, साल में एक बार। हाँ, साल में एक बार दत्त जयंती के दिन से चालू होता है। ओके। और ये लगभग एक महीने जैसा चलता है। और घोड़ा बाजार इसका खास फेमस है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घोड़े नस्ल के आते हैं। लोग ब्रीडिंग भी कराते हैं यहाँ पे, बेटिंग वगैरह कराते हैं। अच्छा। तो उसका अलग कुछ अलग प्रोसीजर चार्जेस वगैरह लेना? हाँ हाँ, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है? नहीं नहीं, चार्जेस के बिना कुछ नहीं होता ये। मतलब यार ये ऐसा समझो ये मार्केट है, और यहाँ पे ले बेच होता है, और रिलेवेंट ऑपरेशन जो रहते हैं घोड़े के रिलेटेड, वो एक्टिविटी सारी होती है। अच्छा, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द इंडिया यू कैन से। मतलब बहुत सा, जैसे पुष्कर का भी है एकदम, मैंने सुना है राजस्थान में भी है जहाँ पे घोड़े फेमस है, यूपी में है, इधर भी और एक दो है, लेकिन दिस इज ऐसा बोल सकते टॉप 5 या टॉप 3 में होगा मेरे को जितनी नॉलेज है इसकी। ओके। सो एक महीना चलता है ये पूरा मेला, अगर किसी को आना है यहाँ पे तो कैसे आए सर, क्या लोकेशन है इसका? ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में शहादा तालुका है, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा शहादा। और ये अभी तो सारंगखेड़ा इटसेल्फ इज बड़ा बड़ा नाम है सारंगखेड़ा। गूगल करेंगे सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल, यू कैन हैव दैट। तो इजी है, ट्रेन से आना है तो ये नंदुरबार से आगे दोंडाईचा स्टेशन आता है, वहाँ से 25 किलोमीटर होगा। और इधर से शहादा से भी 31 किलोमीटर के रेंज में है, शहादा तालुका है। ओके। तो अभी रीचेबल है, सब अच्छा रोड है डामरीकरण। और अगर मान लो एक महीने में कितना टर्न ओवर होता होगा, कुछ आपका रिकॉर्ड है इसके बारे में, कुछ कितना हुआ है, रिकॉर्ड कितना अचीव किया है? ये सब मतलब अजम्पशन वाली बात है, बहुत ज़्यादा पक्का तो नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको ये एक एक घोड़े का अगर मैं रेंज बता दूँ, यहाँ पे बिल्कुल 20-25 हज़ार से लेके 10-12 लाख का तो सौदा होते हुए मैंने देखा है। 10-12 लाख एक एक घोड़े का, तो अभी कितने सेल परचेस हो रहा है उसके ऊपर है। बट काफ़ी अच्छा है अभी, मतलब ये और लोगों का जैसे जैसे सेलर आते बायर आते तो डील्स होती जाती है। अच्छा। क्वालिटी अगर घोड़े आते रहते हैं तो डेफिनेटली एक्सचेंजेस होते हैं। बहुत बढ़िया मार्केट है। और गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट रहता है इसके? इसमें अभी रिसेंटली ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तब इसको वो क्या बोलते हैं पैकेज, ये कुछ सपोर्ट इन्होंने किया था। हाँ। पीछे और वो मेले को जो एक दर्जा दिया रहता है ना महाराष्ट्र टूरिज्म, सांस्कृतिक ऐसा कुछ दिया था, और काफ़ी मतलब उससे भी थोड़ा पुश हुआ था इसको, लेकिन यहाँ के जो मतलब आयोजक है उनका ज़्यादा एफर्ट्स रहता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर आपने बात किया आपसे कोटा देवी हाउस में, इस तरफ से हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, यस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये फेस्टिवल है ना सर, हमारा ये संस्कृति है, हर संस्कृति को हमें आगे लेके जाना वो हमारा कर्तव्य है। ये एक संस्कृति है, एक वारसा है, और एक ये उत्सव है, ये है घोड़ों का उत्सव। ये घोड़ों का उत्सव को हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए। सो जो ज़रूरतमंद है, ये दिस इज़ अ उत्सव, और यहाँ से एक मनी भी जनरेट हो रहा है। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी है, तो आइए यहाँ पे, आप भी अपने घोड़े लेके आइए, आपका रखो घोड़ा चाहिएगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। गूगल डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा उसका एड्रेस डालने वाला हूँ, और यहाँ पे गूगल लोकेशन भी डालूंगा, और आइए और यहाँ पे अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। हमारे मेले का ब्रांडिंग कर रहे हैं, और सही में दिस इज सोशल एक्टिविटी। जी, थैंक्स। तो हमारा यूट्यूब चैनल है सर, यही मोटो है हमारा, हम लोग खाना तो हमारा मेन पर्पज यही है, खाना हम लोग कवर करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं हमारा कोशिश रहता है कि हम लोग लोगों को तक पहुँचाएँ, और अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचानी ही चाहिए, हम लोग ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलते हैं। सो इट्स आवर ड्यूटी, सोशल ड्यूटी, इट्स आवर, वी आर डूइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।